डियर स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग रिज्यूमिंग बिजनेस आफ्टर अ डिज़ास्टर इन केस ऑफ एनी डिजास्टर दैन हाउ यू हैव टू हैंडल द दिचुएशन उसके बाद में जो बिजनेस के ऊपर उसके इम्पैक्ट हैं उसको हम डिस्कस करते हैं आफ्टर द डिज़ास्टर इन वर्क प्लेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सोर्स ऑफ द डिजास्टर वाल नेचुरल एक्सीडेंटलिस्ट ये तीन एक्टिविटीज हो सकती हैं या तो वो डिजास्टर नेचुरल हो सकता है एक्सीडेंटल हो सकता है या किसी किस्म की टेरिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती है उसके बाद बिजनेस को स्मूथ वे में कंडक्ट करना दिस इज़ नोन एज रेजूमिंग बिजनेस आफ्टर द डिज़ास्टर रेज्यूमिंग बिजनेस आफ्टर द डिज़ास्टर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, यूटिलिटी क्लीन अप प्रोटेक्शन एंड लास्ट हेल्थ एंड सैनिटेशन ये वो फोर एरियाज हैं जिनके अंदर डिज़ास्टर के इम्पैक्ट पोटेंशल आ सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्लीन अप प्रोटेक्शन है अपने बिजनेस को हर लिहाज से क्लियर करना ताकि जो रूटीन एक्टिविटी डिजास्टर से पहले चल रही थी उसी तरह बिजनेस आपका नेचुरल फ्लो में चलना चाहिए दिस इज नोन एज रेज्यूमिंग बिजनेस आफ्टर ए डिजास्टर हेयर वी हैव टू थिंक वट आर द फर्दर पॉइंट्स विच आर नीडिड टू बी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रिज्यूमिंग बिजनेस आफ्टर ए डिजास्टर नंबर वन एयर क्वालिटी वेंटिलेशन वाल्स सीलिंग्स एंड फ्लोर सेफ्टी इक्विपमेंट, लाइटिंग हेजर्ड्स वेस्ट रिमूवल मशीन एंड इक्विपमेंट एंड फर्नीचर ये वो पोटेंशल एस्पेक्ट्स हैं ये वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं ये वो पोटेंशियल जगह हैं एसेट्स हैं जिनके ऊपर डिजास्टर का इफेक्ट हो सकता है इन सब चीज़ों को आप लोगों ने क्लियर करना है और क्लियरेंस की रिपोर्ट आपने देनी है उसके बाद जो नेचुरल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस है उनको ले आप चलेंगे